बात अब उत्तराखंड की, जिसके कई इलाकों में आज बारिश हो रही है। गुप्तकाशी समेत कई इलाकों में हो रही बारिश से राहत और बचाव के काम पर असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दे दी थी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए एनडीएमए ने 250 एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में तैनात की गई हैं, जो आपदा के वक्त राहत और बचाव का काम करेंगी। हर टीम में एनडीआरएफ के 45 जवान तैनात होंगे। गुप्तकाशी से हमारे संवाददाता अभय पराशर बता रहे हैं वहां के ताजा हालात। आपको बता दें, हमारे संवाददाता की ओर से जो तस्वीरें हम तक भेजी गई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हालात वहां पर खराब और ज्यादा इस लिहाज से हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कहा यह गया था कि 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है वहां पर, और अगर भारी बारिश होती है तो सीधे सीधे उसका असर राहत और बचाव के काम पर देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 5 और 6 तारीख को पूरे उत्तराखंड के अंदर तेज मानसून की आशंका जताई थी, जिसके लिए पूरे उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी किया गया था कि 5 और 6 तारीख को बारिश हो सकती है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग होने के सबसे ज्यादा आशंका जताई गई थी। इस वक्त हम उत्तराखंड के अंदर गुप्तकाशी में हैं और आप मौसम देख सकते हैं। मौसम जो है बहुत ज्यादा यहां पर बारिश होनी शुरू हो गई है, कल रात से ही यहां पर बारिश हो रही है और जिस तरीके का मौसम यहां पर लगातार बना हुआ है, दिन में भी घने बादल यहां पर छाए हुए हैं और आज 5 तारीख है और 5 और 6 तारीख को तेज मानसून की आशंका जताई थी। हालांकि पूरी रात इस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो है बारिश हो रही है, इसी वजह से जो बचाव और राहत का काम है, जो केदारनाथ पर काफी जो भी बचाव राहत के कार्य करने हैं और जो रास्ते में जितने नीचे गांव पड़ते हैं, अगर हम गौरीकुंड की बात करें या गौरीगांव की बात करें, तो वहां पर भी काफी सारी ऐसी डेड बॉडीज पड़ी हैं जिनका अंतिम संस्कार करना है, लेकिन चौपर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे मौसम के रहते। आप देख सकते हैं जो बादल हैं, इतने घने बादल हो चुके हैं कि यहां पर पहाड़, जो आसपास सारे पहाड़ हैं वो नहीं दिख रहे। इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स को जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और 1-2 दिन और यहां पर मानसून जो है उसकी लगातार यहां पर आशंका बताई गई है। अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से यहां पर पूरी रात बरसात हो रही है, दिन में भी यहां पर बारिश लगातार हो रही है, धीमी रफ्तार से हो रही है और कभी कभी बहुत तेज बारिश यहां पर हो जाती है, अगर ऐसा ही होता रहा तो बचाव और राहत कार्य में काफी दिक्कत आ सकती है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि काफी ऐसे रास्ते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मंडरा सकता है। कैमरामैन राज के साथ अभय पराशर, इंडिया न्यूज, गुप्तकाशी। तो खतरा एक बार फिर से बना हुआ है और इसी वजह से वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं गुजरात में भारी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पहले दिन की ही बारिश में यहां 2 लोगों की जान चली गई। दरअसल प्रदेश के खेड़ा जिले में एक ही दिन में 5 इंच से ज्यादा बारिश होने की वजह से मौहर नदी उफान पर आ गई है। कई इलाकों में नदी का पानी भर गया है। वहीं जरमर नदी में अचानक पानी भर जाने की वजह से 1 दर्जन लोग फंसे हुए हैं, जिसमें से 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। बाकी लोगों को सकुशल वहां से निकाल लिया गया है। गांधीनगर अमराज में